हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बचपन में स्मैकडाउन मारकर घर के सोफे तोड़ने से लेकर अपने छोटे भाई बहनों पर दांव पेच आजमाने तक WWE की यादें तो आपके जहन में होंगी ही। इन्हीं यादों में एक नाम भी आपको याद होगा, ट्रिपल एच। जी हाँ, कभी WWE के रिंग में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले ट्रिपल एच अब फिर से WWE में वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार वो पर्दे के सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे WWE का हिस्सा होंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों WWE के चेयरमैन और CEO विंस मैकमोहन ने WWE को टाटा बाय बाय बोलते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 90s किड्स के हीरो ट्रिपल एच को इस नई जिम्मेदारी के लिए चुना गया। अब ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव हेड बनाए गए हैं। ट्रिपल एच इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ट्रिपल एच का असली नाम पॉल माइकल लेवेस्क्यू है। वो अमेरिका के नाशुआ से संबंध रखते हैं। फिलहाल रेसलिंग छोड़ चुके ट्रिपल एच WWE के मैनेजमेंट के अलावा एक्टिंग और टैलेंट हंटिंग का काम करते हैं। ट्रिपल एच ने रेसलिंग ट्रेनिंग 1990 में शुरू की और अपना डेब्यू 1993 में किया था। लेकिन रोचक बात यह है कि उन्होंने WWE से शुरुआत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन यानी कि IWF से अपना पहला मैच खेला था। तब उनका रिंग नेम टेरा राइजिंग हुआ करता था। साल 1995 में ट्रिपल एच की एंट्री WWF में हुई। यहां उनका स्टेज नेम हंटर हर्स्ट हेल्म्सले था, जिसे बाद में ट्रिपल एच कर दिया गया। 1999 में उन्होंने इसी नाम के साथ अपनी पहली चैंपियनशिप जीती और WWE के स्टार बन गए। अब आपको बताते हैं सबसे जरूरी बात जिस वजह से उनको WWE की गद्दी भी मिली। WWE के पूर्व चेयरमैन विंस मैकमोहन की बेटी स्टेफनी मैकमोहन ट्रिपल एच की पत्नी है। इन दोनों की शादी 2003 में हुई थी और इस कपल के 3 बच्चे हैं। ट्रिपल एच की कमाई की बात करें तो इनकी कमाई साल 2022 में $150 मिलियन तक पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल अब ट्रिपल एच को 150 देशों में देखे जाने वाले WWE का क्रिएटिव हेड बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो WWE का खोया हुआ क्रेज फिर से वापस ला पाएंगे। हालांकि इस पद की दौड़ में विंस मैकमोहन की बेटी स्टेफनी और बेटे शेन मैकमोहन का नाम भी शामिल था, लेकिन ट्रिपल एच की लोकप्रियता को देखते हुए ये जिम्मेदारी उनको ही दे दी गई। अब नए रोल में ट्रिपल एच की वापसी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।